Hey guys, welcome to Motor Octane. कैसे आप लोग सब? आज हम के ले लाए हैं, देख रहे हैं, the new Maruti Grand Vitara. जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी के लिए आप काफी टाइम से रुके हुए थे. This is an all new SUV. तो अगर आपको याद होगा, हमने रिसेंटली ब्रेजा का वॉक अराउंड किया था, रिव्यू किया था, तब वहाँ पे विटारा ब्रेजा नाम था, वहाँ से विटारा हटा के सिर्फ ब्रेजा कर दिया है. अब ये है मारुति की नई ग्रैंड विटारा जो नेक्सा डीलरशिप से बेची जाएगी. अब अगर आप इस गाड़ी को देखते हो, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एक्चुअली कम्पीट करती है ह्युंडई क्रेटा के साथ, किया सेल्टॉस के साथ, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जो रिसेंटली हमने आपके लिए वॉक अराउंड लाया उसका, प्लस किया सेल्टॉस, आई मीन द लॉट स्कोडा कोशाक, द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग हियर. सो अब ये गाड़ी के बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं एक एक करके. शुरू करते हैं विद द फ्रंट ऑफ द व्हीकल. अगर आप इसका ओवरऑल डिज़ाइन देखते हैं फ्रंट से, आप नोटिस करोगे कि इसकी स्टाइलिंग जो है काफ़ी हद तक दूसरी जो मारुति की एस्ट्रॉस जैसे आई है ग्लोबली, उससे कहीं ना कहीं मेल खाती है. सो ये जो आपको ग्रिल दिया गया है, दैट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट जो हमने एस्ट्रॉस यूरोप में देखी है, वो ये वाला ऐसे ही सिमिलर ग्रिल आ जाता है उसको. प्लस आपके पास ब्लैक जो है वो काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ फ्रंट ग्रिल एलिमेंट यहाँ दे दिया गया. अब अगर इसके हेडलैम्प्स की तरफ जाते तो स्प्लिट है, ऊपर आपको मिल जाते हैं डे टाइम रनिंग LEDs, ओके, एंड अंडरनीथ अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्रोजेक्टर LED यहाँ दिया हुआ है. अब पूरा एक बार इसको वाइड में देखिए, तब तक मैं आपको इसकी लाइट जला के दिखा दूंगा कि इसकी लाइट कैसे है ओवरऑल. यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका लाइट्स जो है यहाँ नीचे मैंने जला दिया, इट्स कंप्लीट वाइट. नीचे आपके पास यहाँ फॉग लैंप नहीं दिया गया है. प्लस अगर आप इसका इंडिकेटर देखते हैं तो इसको इंडिकेटर बेसिकली साइड में ही यहाँ आ जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द साइड ऑफ द व्हीकल, जहाँ से आपको ज़्यादा बेटर साइड प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी. ये देख रहे हैं इसको, तो आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हाई राइडर जैसी लगती है, क्योंकि ये गाड़ी को कंसेप्चुलाइज, डिज़ाइन, टेस्ट सब कुछ मारुति ने ही किया है. इवन हाई राइडर को भी मारुति ने ही टेस्ट किया है एज पर टोयोटा रिक्वायरमेंट्स. पर ये गाड़ी जो मारुति की है, ये टोयोटा मैन्युफैक्चर करेगी अपने प्लांट में, विच इज इन कर्नाटका. तो ओवरऑल डिजाइन कुछ ऐसा है इस गाड़ी का, साइड प्रोफाइल से आप जो देख रहे हैं. आई विल स्टार्ट शोइंग यू वन बाय वन डिटेलिंग. 17 इंच के व्हील्स इसको यहाँ मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको 360 कैमरा आता है. सो यू विल नोटिस कि आपको यहाँ पे भी एक कैमरा मिल जाता है. क्रोम का इस्तेमाल डिसेंट इनफ किया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया गया. आपको यहाँ पे क्रोम की पट्टी दी गई है, बट आपके डोर हैंडल्स पे यहाँ पे कहीं पे भी क्रोम नहीं है. हावेवर यहाँ से यू कैन एंटर, पैसिव एंट्री आपको लेफ्ट साइड पे भी यहाँ मिल जाती है. ओके, ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी में. सो दिस इज द फर्स्ट मारुति इंडिया में जिसको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है. ऑलराइट, रियो में भी अगर आप देखेंगे इसके व्हील्स द सेम 17 इंच व्हील्स इसको ओवरऑल ऑफर कर दिए गए हैं. नाउ लेट्स लुक एट द रियर इन वाइड. एकदम वाइड से आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं जो विटारा ब्रेजा की डिज़ाइन है उसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट की गई है. सो जो हाई राइडर का बैक डिज़ाइन है और इसका ग्रैंड विटारा का बैक डिज़ाइन है, उसमें एक क्लियर डिफ्रेंसिएशन दिया गया है. सो यहाँ पे आपके टेल लैम्प्स इंटीग्रेटेड है, दे सॉर्ट ऑफ जॉइन ईयर, और बीच में जो एलिमेंट मिलता है आप ये देख रहे हैं, ये पार्ट जो है ना इज नॉट अ लाइट. यहाँ पे आपको बड़ा सा लोगो दिया गया सुजुकी का विथ दिस एंटायर ब्लैक एलिमेंट. ओके, आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको स्पॉइलर मिलता है एंड यू इवन गेट शार्क फिन एंटेना. रूफ रेल्स भी इसमें मिलते हैं बट दे आर नॉट फंक्शनल, सिर्फ स्टाइल के लिए यहाँ ओवरऑल दिए गए हैं. अब गाड़ी की बूट दिखाते हैं आपको. सो ओवरऑल अगर आप इसका बूट देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिसेंट इनफ बूट स्पेस है. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद द बूट स्पेस. आपको अच्छी खासी बूट दे दी गई है. मैं थोड़ा ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ आपके लिए. सो ये आपको अच्छी खासी बूट स्पेस यहाँ मिल जाती है एट द बैक. ये रहा आपका स्पेयर टायर. ओके, यू गेट फुल साइज स्पेयर टायर्स यहाँ पे 17 इंच व्हील्स. ओके, सो ओवरऑल आपके पास यहाँ अच्छी खासी बूट स्पेस है. प्लस आप नोटिस करेंगे आपको 60-40 स्प्लिट भी यहाँ मिल जाता है. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द कार. एक एक करके डिटेल्स आप तक पहुँचाते हैं. क्या ऐसी गाड़ी आपके भी बकेट लिस्ट में? मैं आपको रेकमेंड करता हूँ करेक्ट सेल्फ एजुकेशन. जी हाँ दोस्तों, मैं वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बिल्कुल यहाँ बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल. मैं बात कर रहा हूँ उस एजुकेशन के बारे में जिससे आपका करियर क्विकली एक्सेल करेगा. एंड येस आई नो बुक्स कैन बी बोरिंग टू रीड, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऑडियो बुक्स. इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू अनलॉक अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बीट सेल्फ हेल्प,
फाइनेंस, इवन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के बारे में आप जान सकते हो, टाटा, किया, टेस्ला, इनके काफ़ी सारे बुक समरीज आज अवेलेबल है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ कुकू एफएम, जो इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है आज के तारीख में। अगर आप इसकी रेटिंग देखते हो, 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग है इसको, प्लस आपके पास 4000 से ज़्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो शोज यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। कुकू एफएम से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी लाइफ को, क्योंकि जो नॉलेज आपको देता है वो काफ़ी ईजी है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप इसे सुन सकते हो इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, कभी भी, कहीं भी, एंड ये बहुत अफोर्डेबल है। अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो हम मोटर ऑक्टेन रीडर्स को दे रहे हैं 50% फ्लैट ऑफ ऑन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ कुकू एफएम, पर ये सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए है। तो अभी जाइए एंड डाउनलोड द ऐप राइट अवे। जब हम यहाँ बैक सीट पे आते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्पेस कैसी है। अच्छी खासी स्पेस दी गई है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स। थोड़ी लाइट यहाँ मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास अच्छी खासी स्पेस है। हेडरूम की कमी नहीं है बिल्कुल भी। प्लस अगर आप नी रूम देखते हैं, थोड़ी सीट यहाँ पीछे है, बट आई थिंक इट्स डिसेंट इनफ। फिर भी काफ़ी अच्छी नी रूम है पीछे। आपके पास यहाँ AC वेंट्स जो है पीछे के पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल कराए गए हैं। उसके नीचे आपके पास दो चार्जिंग पॉइंट्स है, एक टाइप सी है जैसे आप देख रहे हैं, और नीचे आपके पास एक USB भी है। प्लस इधर आपको फ़ोन रखने का भी जगह दे दिया गया है। ओके, तो अगर आप सीट्स देखते हैं तो इस पर आपको लेदरेट मटेरियल दिया गया है, ओके, एंड इट्स ब्लैक एंड ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन ओवरऑल। प्लस आपके पास यहाँ आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स इन इट, सो ओवरऑल स्पेस अच्छी खासी है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। एक बार मैं आपको डोर पैड भी दिखा दूंगा, सो यू गेट अ लिटिल बेटर आइडिया हाउ इट लुक्स कम्प्लीटली। सो ये कुछ ऐसा कलर है। यहाँ पे पास आपके पास आगे बॉटल होल्डर भी अवेलेबल कराया गया है। सो ओवरऑल स्पेस आपको अच्छी खासी यहाँ मिल जाती है। अब मैं आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी कि कैसे दिख रही है गाड़ी। ओके, सो यहाँ हम आ जाते हैं फ्रंट में, आपको अच्छी खासी लाइट दिखाते हुए। तो ये पूरा इस गाड़ी का डैशबोर्ड है करंटली। ऑलराइट, सो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो काफ़ी हद तक ब्रेजा से शेयर्ड है। हाई राइडर में भी आपको सिमिलर इंटीरियर मिल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट शोइंग यू ईच एंड एवरी डिटेल वन बाय वन। अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, आप नोटिस करोगे इसको सर्कुलर फुर है, इसको फ्लैट बॉटम नहीं आता है कहीं पे भी। लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर ऑडियो, टेलीफोनिक यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल है यहाँ पे। इसकी स्टीयरिंग व्हील को अगर हम देखेंगे तो ये हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्टेबल है, तो ये टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। प्लस अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये एनालॉग है मेजरली, और बीच में आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज देयर इन ड्राइवर इन्फॉर्मेशन। और ये आपका बेसिकली, क्योंकि ये पेट्रोल वर्जन है तो आपको एक बैटरी माइल्ड हाइब्रिड आ जाता है ये वाले में, सो इस वजह से आपको ऐसा कुछ बैटरी और इसका एनिमेशन मिल जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द टच स्क्रीन ऑफ द व्हीकल। आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस मिल जाता है। प्लस इसमें आपको 360 कैमरा भी अवेलेबल कराया गया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू इन योर रिवर्स कैमरा। ओके, सो आपके पास 360 कैमरा भी यहाँ मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल मोड्स है। प्लस इसकी क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट एलिमेंट। नीचे AC वेंट्स हैं आपको, प्लस यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। लिटिल लोअर इफ यू गो डाउन यू विल नोटिस यू हैव स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। यहाँ फ़ोन रखने की जगह तो ये वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया आपके फ़ोन के लिए, सो यू हैव गुड इनफ स्पेस देयर। आपके पास यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एक USB चार्जिंग पॉइंट है, और ये मैनुअल वर्जन है। तो बाय द वे, मैनुअल वर्जन में आपको आता है ऑल ग्रिप विच इज़ समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आप अपने ऑल व्हील ड्राइव मोड को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, तो ऑटो पे रख सकते हैं, स्नो पे रख सकते हैं, स्पोर्ट पे डाल सकते हैं, प्लस आप लॉक भी यहाँ कर सकते हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस इटसेल्फ, और ये सिर्फ मैनुअल में ही अवेलेबल कराया गया। एक बार मैं आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दिखा देता हूँ इस गाड़ी का, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी कि कैसा है। काफ़ी बड़ा है इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ, एकदम ऊंचा है, सो सी यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा है स्पेस यहाँ पे, और ये भी खुलता काफ़ी ज़्यादा है। तो यू विल नोटिस दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, देख रहे हैं काफ़ी पीछे तक ये जा रहा है, इट्स रियली मैसिव, बहुत ज़्यादा बड़ा खुल गया ये यहाँ पे। आपको पहले मैं फ्रंट सीट्स एक बार दिखा दूँ, आपको पता चलेगा कैसे दिख रही है इसकी फ्रंट सीट्स ओवरऑल। सो यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है इस पे, सो यू गेट रियली नाइस थिक कुशनिंग। प्लस आपका जो आर्म रेस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस अंदर आपको थोड़ी स्पेस है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, डिसेंट इनफ है।
अब अगर मैं ग्लव बॉक्स दिखा दूं आपको, तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट इनफ है, नॉट वेरी बिग बट गुड इनफ। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिल जाते हैं इसमें, ये हार्ड प्लास्टिक से यहाँ पे। ऑलराइट, तो सेफ्टी के बारे में अगर आपको बताऊं तो पहले बता देता हूँ इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म क्या है। ये सीटेक प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, तो बेसिकली ब्रेजा एस क्रॉस जो आती है उसी प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को बनाया गया है। प्लस इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी आ जाते हैं, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, यू नो द हिल, द फीचर्स कीप्स ऑन गोइंग अप। जैसे अभी इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का मैंने सब कुछ बताया, सो यू गेट अ लॉट मोर फीचर्स डिपेंडिंग आप कौन सा टाइप का मॉडल कंसिडर कर रहे हो। इंजन इसमें टोटली दो आते हैं, एक आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, ये सुजुकी का डेवलप्ड इंजन है जो आपने अर्टिगा, XL6, यू नो ब्रेजा ये सब में देखा है। तो ये आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल कराया गया है। प्लस इसमें जो मैनुअल आता है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास इंजन है इज द 1.5 लीटर टोयोटा इंजन, जो बेसिकली हाइब्रिड इंजन है, यानी कि इसमें आपको पूरा बड़ा साइज का बैटरी सपोर्ट दिया गया है, जैसे कैमरी में आता है। अब इसमें जो मारुति वाला है उसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड आता है, जैसे जनरली ब्रेजा में दिया गया या अर्टिगा में दिया गया, पर इसमें जो टोयोटा वाला इंजन है उसमें आप देखेंगे तो आपको कैमरी का सिस्टम जो है मोर एक्सपेंसिव वाला हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ईवी बटन आएगा, 2-3 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलेगी प्योरली ईवी में, वो वाला सिस्टम दिया गया है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव आएगा, पर वो सिर्फ आपको ECVT यानी कि सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ आएगा, और इसमें आपको टू व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल कराई जाएगी। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको ECVT का सिर्फ एक लेआउट दिखा दूंगा इंटरनली कि उसमें क्या क्या कंट्रोल्स आते हैं आपको, तो आपको बेटर आइडिया आएगी। चलो लेट्स गो देयर। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आते हैं उसमें आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपके पास ऑफकोर्स ऑटोमेटिक आता है, एंड आपके पास यहाँ पे मोड्स आ जाते हैं, अगर आप यहाँ देख रहे हैं EV मोड एंड ड्राइव मोड। प्लस वो वाला जो हमने गाड़ी देखी थी ना उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं था, देखिए यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दिया हुआ है आपको, QI का वायरलेस चार्जिंग जो आप देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पे दिया गया। एक और एक चीज़ आपको बताऊंगा विच इज़ डिफरेंट, इधर से अगर आप आके देखेंगे तो इसका जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है दैट्स एक्चुअली डिफरेंट हियर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। एक और एक डिफरेंस जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आ जाता है वो है इसके बूट स्पेस में। चलिए करोगे कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आपको यहाँ पे बूट स्पेस जो है थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली, वरना बूट स्पेस इतनी थी इसको, यहाँ पे छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिथियम आयन की बैटरी दी गई है विच इज़ ऑफकोर्स बिगर इन साइज, जिस वजह से आपकी गाड़ी का रेंज बढ़ जाता है एंड यू कैन ड्राइव द कार इन EV फॉर अ कपल ऑफ किलोमीटर्स। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट द मारुति ग्रैंड विटारा, उम्मीद करते हैं आपके लिए मैं सारी डिटेल्स यहाँ कवर कर पाया हूँ, अगर नहीं किया है तो डू वेट फॉर मोर वीडियोस। आपको इस गाड़ी का प्राइस पता चलेगा इन सितंबर, ओके ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी अगस्त में, तो यानी कि प्री बुकिंग्स अभी चालू हो गए, तो यू नो टेस्ट ड्राइव वेस्ट ड्राइव आपको अगस्त के टाइमलाइन में कभी मिल जाएगी, बट इस गाड़ी की डिलीवरीज आपको सितंबर से ही मिलना शुरू होगी। अब ये गाड़ी मैं ऑलरेडी आपके लिए कवर कर चुका हूँ, ऑलरेडी कवर्ड फॉर यू द अर्बन क्रूजर हाई राइडर, उसका भी लिंक मैं आपके लिए आई बटन में छोड़ रहा हूँ, डू गो एंड चेक इट आउट। अब आप इतना प्यार बरसाते रहते हैं हम पे, इसलिए हम आपके लिए इतना डिटेल कंटेंट हर बार लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। अब ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहना है तो प्लीज़ एक बिग लाइक दे दीजिए, एंड हाँ अगर आपके पास अभी भी कन्फ्यूजन है, रियली कन्फ्यूज मैं ये खरीदूँ वो खरीदूँ, क्योंकि ऑप्शन बहुत है मार्केट में, किया सेल्टॉस है, Hyundai क्रेटा है, स्कोडा कुशाक है, द लिस्ट इज प्रीटी ह्यूज राइट। तो अगर आप अभी भी कन्फ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप एक फोन कॉल पे मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ अपने कुछ डिटेल्स बने एंड अपना 15 मिनट का कॉल टाइम बुक करना है। प्लस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए अभी टू द motoroctane YouTube चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।